तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे सैयद वंश की नींव पड़ी दिल्ली सल्तनत में और भारत का पहला शिया राजवंश, शिया राजवंश समझ पा रहे हैं आप, इस्लाम को मानने वाले, लेकिन इस्लाम में जो दो संप्रदाय हैं उसमें अभी तक के जितने राजे आ रहे थे या जितने भी सुल्तान आ रहे थे वो सुन्नी मत वाले हुआ करते थे। ये पहला ऐसा राजवंश है जो शिया धर्म को मानने वाला है। तो यहाँ बहुत सारे कहीं ना कहीं क्लेशेस होने वाले हैं, सारी चीज़ें हैं, और बहुत कम ये सल्तनत चल पाती है, राजवंश चल पाता है। हम बात कर रहे हैं सैयद वंश की। सैयद वंश की नींव जो डाली है वो डाली है खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने। खिज्र खान की हम बात कर लें पहले, तो सैयद वंश की बात करें 1414 एडी से लेके 1451 एडी तक का ये टोटल 37 सालों का आपका राजवंश है सैयद वंश। टोटल 37 वर्ष चला है, ठीक है। सो 37 वर्ष बहुत बड़ा शासन तो होता नहीं है। हाँ, खिलजी के बाद ये दूसरा बड़ा शासन है, क्योंकि खिलजी तो 30 वर्ष ही चल पाए थे, लेकिन ये 37 वर्ष तक चल गए। इनका कोई विशेष महत्व तो मुझे लगा नहीं सैयद वंश का, मुझे या इतिहासकारों को, बेसिकली विद्वान भी मानते हैं कि यहाँ कुछ बहुत ऐसा नहीं हुआ जिसके कारण इनको ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जाता। लेकिन हाँ, हम देखने वाले हैं एक एक व्यक्ति को। टोटल सैयद वंश की बात करें तो शुरुआत के हिसाब से अगर बात करें, खिज्र खां जो रहेंगे, संस्थापक रहेंगे, खिज्र खां 7 सालों तक ही शासन कर पाते हैं, 1414 से 1421 एडी तक का। इसके बाद इनके बेटे आते हैं जिनका नाम है मुबारक शाह। क्या नाम है? मुबारक शाह। सो मुबारक शाह थोड़ा सा शक्तिशाली शासक है, सैयद वंश का सबसे अच्छा शासक या फिर मीन शासक बोल दें तो ये मुबारक शाह ही होता है। 1421 से 1434 तक का शासनकाल रहता है इनका, लगभग 13 सालों तक इन्होंने शासन किया हुआ है और सबसे ज़्यादा शासनकाल इनका ही रहा हुआ। इसके बाद इनके बेटे आते हैं मोहम्मद शाह। क्या नाम है? मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह 1434 से 1444 तक शासन करते हैं और बहुत ही अयोग्य शासक थे, लेकिन इनसे भी ज़्यादा अयोग्य इनके बेटे हुआ करते थे जिनका नाम है आलम शाह। क्या नाम है? आलम शाह। तो आलम शाह फाइनली लास्ट शासक भी हैं 1444 से 1451 एडी, ये इनका शासनकाल यहाँ पे रहने वाला है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक? हम जो बात करने वाले हैं वो खिज्र खां की अभी इस वीडियो में करेंगे, इसके बाद एक वीडियो में हम बाकी तीन की बात कर लेंगे। ज़्यादा हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे ताकि परेशानियाँ ना हो, छोटी छोटी सी वीडियो है, कुछ ज़्यादा इसमें बताने लायक है नहीं। खिज्र खां से इसलिए स्टार्ट करना है कि खिज्र खां ने अपने आप को बताया है शिया, है ना, शिया मत को मानने वाले, और इन्होंने खुद को अली के वंश से जोड़ा है। आप समझ पा रहे हैं, ये छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। हालांकि इतिहासकारों ने खोज भी करी और थोड़ा बहुत अरब के आसपास इनके पुराने पुश्तैनी जो पुराने पूर्वज हैं वो पाए गए, तो यहाँ प्रॉपर रही है कि हाँ या ना, लेकिन बहुत सारे विद्वान मान लेते हैं कि हाँ, हो सकता है कि ये उनके पूर्वज रहे हों और उनके ही वंशज हैं खिज्र खां। बात ये है कि सैयद इनको क्यों कह दिया गया, तो बहुत पुराने समय में जब तुगलक वंश चल रहा था और फिरोज खां, फिरोज शाह तुगलक सरदार हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे तुगलक वंश के, तो उनके समय में एक दौलत, अली मर्दान दौलत खां जो थे मुल्तान के क्या हुआ करते थे, मुल्तान के हाकिम हुआ कर रहे थे, सुल्तान हुआ कर रहे थे। उन्होंने एक दिन दावत दी, दावत मतलब प्रीति भोज, है ना, बफर सिस्टम वाला। सो लोगों को बुलाया, अब उसमें बड़े बड़े लोग आए और उसमें एक सैयद साहब भी आए। अब सैयद साहब आए तो ठीक है, उस दावत में बाद में क्या है, खाने के बाद हाथ तो धुलाने का रिवाज चलता ही, हर जगह चलता है, तो जो हाथ धुलाने का काम हो रहा था वो एक व्यक्ति कर रहा था जिसका नाम है सलीमा। क्या नाम है? सलीमा। तो सलीमा व्यक्ति जो था, वो सैयद साहब जो आए थे उन्होंने सलीमा को पहचान लिया, बोले यार ये काम ये इससे मत करवाओ दौलत साहब। क्यों भैया, क्या समस्या है इस व्यक्ति? बोले ये सैयद परिवार का व्यक्ति है और सैयद व्यक्ति ऐसे काम नहीं करते, छोटे मोटे काम नहीं करा। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, बोले यार ये कैसी बात कर रहे हैं, बोले सैयद परिवार का व्यक्ति हाथ धुला रहा है। और उसी सलीमा का बेटा जो है वो कौन है? वो खिज्र खां है। तो खिज्र खां बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला व्यक्ति था, धर्मपरायण व्यक्ति था, जो बोलता था वो करता था, बात का पक्का व्यक्ति था, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के कारण हुआ ये कि ये व्यक्ति सलीमा तो इनके अंदर काम कर ही रहा है दौलत साहब, क्या ये खिज्र खां भी आगे जाके दौलत का बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति हो जाता है। और दौलत साहब का होने के अलावा
यहाँ फिरोज के लिए भी पर्सनली आगे जाके ये मतलब मन मोह लेता है फिरोज का, और उससे भी अच्छे संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जब दौलत खां की मृत्यु हो जाती है तो मुल्तान का हाकिम किसको बना दिया जाता है? खिज्र खां को बना दिया जाता है। खिज्र का तो मुल्तान का शासन चल ही रहा था कि उसी समय हमने बात करी थी फिरोज शाह के एक्सपायर होने की, फिरोज शाह का जो बेटा रहता है वो बेटा नहीं रहता ढंग से, है ना, यानी बात कर रहे हैं महमूद के आसपास की। तो महमूद के समय इतनी राजनीतिक उथल पुथल हुई है, षड्यंत्र हुआ है, जिसके कारण हमने देखे थे तीन लोग, एक तो मल्लू, है ना, मल्लू वजीर हो जाता है किसका, मुबारक का। तो मल्लू का भाई था कौन, सारंग खां। सारंग खां ने क्या कर दिया था भाई, मुल्तान पे आक्रमण करके खिज्र खां को भगा दिया। खिज्र खां दिल्ली पहुंचे, दिल्ली पहुंचने के बाद वहीं ये मुबारक शाह के आसपास उस समय रहने लग गए। उसी समय फिर अचानक से क्या होता है, क्या होता है, तैमूर का आक्रमण होता है और ये अस्त व्यस्तताएँ फैल जाती हैं, सारे आक्रमण होते हैं। बीच में समय पाते ही खिज्र खां जब तैमूर वापस जाता है तो तैमूर से भी बहुत अच्छी बात है, मृदुभाषी व्यक्ति था, इतने अच्छे से बात करता था, बिल्कुल लपेट लपेट के सहज जैसा लगता था, टपक टपक के लोगों को, यार कितना अच्छा बोल लेता है ये व्यक्ति। सो सब इसके मतलब दीवाने टाइप से हो जाते थे, तो तैमूर भी कहाँ रह पाता, और तैमूर भी खुश हुआ इनकी बातों से, इनने बताया कि ये सारंग खां ने ऐसा 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 किया था, सारंग खां को फोड़ फाड़ दिया, खिज्र खां को वापस से लाहौर मुल्तान सिंध सबका सूबेदार बना दिया अपनी तरफ से, और इनने कहा भैया साल भर तुम हमें कर भेजते रहना, टैक्स भेजते रहना, हमारी तरफ से यहाँ शासन करो। खुश खिज्र खां हो गया शासक। फिर बाद में जब वो एक्सपायर हुए, चलो अच्छा देखो यार इसके तैमूर के आक्रमण से ये इतना घबरा गया था ना खिज्र खां कि उसने कभी शाह आह की उपाधि तो कभी धारण करी नहीं खिज्र खां। बाकी सब आप देखोगे मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह, समझ लो, शाह आह की उपाधि नहीं करी इनने, डाया कभी धारण ही नहीं करी, क्यों, थोड़े तैमूर से डर लगता था भैया आके फोड़ फाड़ दिए तो ठीक है। लेकिन तैमूर की मृत्यु जब हुई 1405 के आसपास, तब से फिर जब तक इनका जो बेटा होता है मुबारक शाह वो शाह की उपाधि धारण कर लेता, वो हो जाता है स्वतंत्र शासक, वो कहता है सारो कारो की नहीं मान रहे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होगी, अभी तो खैर हम खिज्र खां की बात करें। खिज्र खां को बहुत ज़्यादा समय मिला नहीं, लगभग 7 सालों तक इन्होंने शासन किया है। 7 साल का शासन कुछ बहुत बड़ा होता नहीं है, लेकिन हुआ ये कि इनको विद्रोह दबाने में ही 7 साल लग गए, तो कुछ नया नहीं कर पाए। हाँ इन्होंने दिल्ली के निकट एक खिजराबाद नाम से एक नया शहर बसाया, वो अलग चीज़ है खिजराबाद, ठीक है। और ये उदार और अच्छा शासक था ऐसा बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि नई सल्तनत जब भी कोई व्यक्ति चालू करता है या नया वंश चालू करता है तो उसको आसपास के अमीर या बाकी लोगों के साथ क्या करना होता है, घुलना मिलना रहता है सारी चीज़ें, कि ताकि उन पर विद्रोह ना हो, बार बार उन्हें परेशान ना किया जाए। सो इस कारण से क्या होता है कि खिज्र का उदार शासक बना रहा, सारी चीज़ें होती रही, और ये फाइनली 1421 एक्सपायर हो जाएंगे। और एक्सपायर होने के बाद देखो इनका बेटा जो था खिज्र खां भी एजड हो चुके थे, तो बेटा भी बढ़िया अच्छी उम्र का था, 35 साल के आसपास का, मुबारक शाह, तो मुबारक शाह को गद्दी पे बिठा दिया जाता है और मुबारक शाह हो जाएंगे स्वतंत्र शासक। सबसे शक्तिशाली शासक भी सैयद वंश के कौन है, मुबारक शाह ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मुबारक शाह की चर्चा करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।